about Singapore and the time is around 4:30 a.m. Now we would be gonna clear the immigration area. It was much easier to clear immigration here than in India. They didn't ask anything, just saw my Australian visa. कल माई बैगेज एंड मुझे फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट क्या करूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच आइडिया। कुछ समझ में ना आ रहा है कि क्या है, कहाँ पे है, कैसे है। गुड मॉर्निंग, आई नीड वन हेल्प, आई नीड टू चेक इन अगेन। आई हैव वन फ्लाइट एट 2:30 PM एंड ऑल्सो आई बुक्ड फ्री टू सर्विस राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट। आई वांट टू चेक इन अगेन। हमने ट्राई किया इन लोगों से बात करने का कि क्या है क्या नहीं है। इन लोगों का एक तो भाषा समझ में नहीं आता, सारे चाइनीज़ भरे हुए हैं, इधर देखो तो चाइनीज़, इधर देखो तो चाइनीज़। एंड बोला है कि हम बस टूर भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर चाइनीज़ चाइनीज़ खड़े हैं। तो मज़ा तो आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वी आर हैविंग इनफ टाइम बिकॉज हमें बताया गया कि चेक इन विल स्टार्ट एट 8 AM ओनली। देयर इज द अर्ली चेक इन हियर, सो करंटली इट्स अराउंड 6 एंड आई हैव 2 hours ऑफ टाइम। यहाँ देखो मुझे कॉल मिला है, यहाँ पे भाई साहब मिले हैं, एवेंजर्स वाले भाई साहब। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से भी ट्रेन निकली थी मेट्रो, आई डोंट थिंक सो कुछ विजिबल होगा इस टाइम पे। काफ़ी पौधे हैं, मैंने सोचा बैगेज ड्रॉप कर देते हैं जस्ट टू स्टोर इट ताकि हम बाद में एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी हैवी बैगेज हैं। लेकिन यहाँ की रेट्स ही काफ़ी प्यारी है, मन ही ना कर रहा डाल लेना। भाई $5, $10, $15, $18। तो यदि मैं ढालने जाऊँगा ना तो $15 इसके लगेंगे, $10 इसके लगेंगे, मतलब टोटल हो गया $25। $25 यानी हो गया कितना, 25 × 60 लगा लो अंदाजन, 25 × 60 150, 1500 रुपये हो गया भाई। खानदानी गरीब है। ये प्राइवेट वेब चेकिंग करने के लिए सिस्टम्स लगाए हुए हैं, आप खुद भी चेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वी विल ट्राई टू गो टू टर्मिनल 2 बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई ट्रेन टू T2। नो सिक्योरिटी, नथिंग इज लाइटेड, कुछ ना है यहाँ। आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, डायरेक्ट अपना बैग उठा सकते हो। दिस रीजन को ही जेवल कहते हैं, जिसमें वो ट्रेन वाला लगा हुआ है। स्काई ट्रेन आ गई है, अब हम इसी स्काई ट्रेन से टर्मिनल 2 में जाएंगे। टर्मिनल 2 फ्रॉम टर्मिनल 1 एंड दिस इज ऑल्सो द पाथवे टू रीच द ज्वेल। ये काफ़ी सोना सोना भी लग रहा है एज कम्पेयर टू टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है मुझे, काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे। अभी मैं टर्मिनल 2 से निकल रहा हूँ टर्मिनल 1 पे वापस से, बिकॉज दैट रेनिंग फाउंटेन वुड गोना स्टार्ट नाउ, बिकॉज अभी 9:50 हो चुके हैं यहाँ पे, अराउंड 10 पे स्टार्ट होगा, सो बेटर टू गो देयर। अभी मैं फिलहाल सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे हूँ।
नाउ मैं टर्मिनल 3 की ओर जा रहा हूँ। टर्मिनल 3 भी काफ़ी प्यारा है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल 2। आई थिंक इन केस ऑफ डिपार्चर टर्मिनल 1 इज ऑल्सो नॉट डेट मच गुड एज़ कम्पेयर टू दिस टर्मिनल 3 एंड बट या ज्वेल इज क्वाइट गुड। ये काफ़ी बड़ा है यार, टर्मिनल 1 तो कुछ नहीं है इसके सामने। We are not going to Terminal 4. Terminal 4 is also there, but we will go only to Terminal 1, 2, and 3, not 4. फाइनली मैंने फूड लिया 9.9 डॉलर का, और कोई ऑप्शन भी नहीं था बिकॉज एट द एंड एक ही मुझे रेस्टोरेंट मिला है इंडियन वेजिटेरियन, जिसमें दीज वर द मेन्यू आइटम्स। और मैंने ऑर्डर किया था चपाती एंड राइस मील, तो जेब खाली हो गई 9.9 डॉलर की। उसमें मुझे मिला है ये आइटम, और दिखाता हूँ आपको थाली, आगे कितनी बार कटने वाला है मेरा। सो मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है एंड सिक्योरिटी क्रॉस कर लिया है। दिस इज़ माई फ्लाइट फिलिपिन एयरलाइंस। मुझे पता चला इसमें चिकन और फिश मिलने वाला, नो वेजिटेरियन ऑप्शन, सो मे बी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। सो एनीहाउ लेट्स गो एंड ऑन बोर्ड टू द फ्लाइट।